सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो हमारी कई वीडियो ऐसी होती हैं जिन पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते, क्योंकि लोगों को उस टॉपिक की वीडियो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जिस टाइम पर हम वीडियो डालते हैं उस टाइम पर। लेकिन बाद में क्या होता है, जब हम कोई और वीडियो डालते हैं तो उस पर कई व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि हमारी नई वीडियो जिस टॉपिक पर होती है दोस्तों वो टॉपिक लोगों को काफ़ी पसंद आता है, तो हमारे उस वीडियो पर काफ़ी व्यूज आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप नई वीडियो के साथ साथ पुरानी वीडियो पर भी व्यूज कैसे ला सकते हो अपनी नई वीडियो की वजह से। या दोस्तों, आप अपनी नई वीडियो की वजह से पुरानी वीडियो पर कैसे व्यूज ला सकते हो उस वीडियो पर व्यूज जिस वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए थे पहले। तो मैं आपको एक तरीका बताऊँगा। वैसे इस तरीके के बारे में काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोग यूज भी करते हैं, लेकिन वो इस तरीके का सही इस्तेमाल नहीं करते। और जब उसको सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा दोस्तों किसी तरीके का, तो वो आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो तरीका जिससे आप अपनी पुरानी वीडियो पर ही व्यूज ला सकते हो नई वीडियो को अपलोड करके, और लोग कैसे इस तरीके का गलत इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको, जिससे कि आप दोबारा कभी ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी वीडियो पर व्यूज आना बंद हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आप आसानी समझ जाओगे कि आपको क्या तरीका अपनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने वीडियो अपलोड की SBI के ऊपर कि आप SBI का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिस टाइम पर आप वीडियो अपलोड करते हो उस टाइम पर लोगों को ज़रूरत नहीं होती SBI में अपना अकाउंट ओपन करने की, तो उस वीडियो को कोई नहीं देखता। लेकिन उसे कुछ टाइम पर आप वीडियो डालते हो कि एक्सिस बैंक का अकाउंट कैसे ओपन करें और लोगों को ज़रूरत है एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कराने की, तो आपको क्या करना है कि अपने एक्सिस बैंक वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस SBI बैंक का उस वीडियो का लिंक डालना है। और जब आप एक्सिस बैंक की वीडियो बनाओ तो उसमें एक छोटी सी क्लिप ये बोलनी है कि दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी SBI का अकाउंट कैसे खोलें। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और आपको अगर वो देखनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ कि दोनों वीडियो एक ही कैटेगरी की हैं, वो भी बैंक से रिलेटेड है दूसरी वाली भी। तो जो भी बंदा एक्सिस बैंक वाली वीडियो को देखेगा, अगर उसको ज़रूरत है SBI के बैंक अकाउंट ओपन कराने की, तो उसे ज़रूर देखेगा। और दोस्तों, 50% लोग ऐसे होते हैं कि जब आप कोई वीडियो डालते हो और दूसरी वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड होती है तो उसे देखना जरूर पसंद करते हैं, क्योंकि भले ही उनके काम की ना हो लेकिन उसकी नॉलेज लेना उन्हें अच्छा लगता है। तो आप ये काम कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी पुरानी वीडियो है वो भी नई वीडियो के साथ साथ वायरल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तरीके काफ़ी लोग अपनाते हैं, लेकिन वो गलत क्या करते हैं वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि आपने वीडियो बनाई कि एक्सिस बैंक में अकाउंट कैसे खोलें। अब ये वीडियो दोस्तों आपके बैंक के ऊपर है, लेकिन लोगों को ज़रूरत नहीं है अकाउंट ओपन करने की, तो वो वीडियो कोई नहीं देखेगा। अब कुछ टाइम बाद दोस्तों आपने वीडियो बनाई किसी और टॉपिक के ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर कि व्हाट्सएप अकाउंट कैसे डिलीट करें, या फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाएं। आप क्या करते हो, उस दूसरी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस बैंक वाली वीडियो का लिंक डाल देते हो। अब ये दोनों वीडियो अलग अलग कैटेगरी की हो गई, एक बैंक के ऊपर हो गई दोस्तों, एक सोशल मीडिया के ऊपर हो गई। तो आप ये सोचिए कि जब भी कोई बंदा व्हाट्सएप वाली वीडियो सर्च करेगा सर्च बार में, तो वो बैंक से रिलेटेड वीडियो क्यों देखेगा। अगर उसे बैंक की वीडियो देखनी होगी तो वो सर्च बार में बैंक से रिलेटेड टॉपिक सर्च करेगा, ना कि व्हाट्सएप वाला सोशल मीडिया वाला। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो भी बंदा आपकी व्हाट्सएप वीडियो देखेगा सर्च करके, तो उसे बैंक से रिलेटेड वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको ज़रूरत नहीं है, एक आध दो बंदे वैसे होते हैं, दो चार बंदे जो देख लेंगे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लिंक पर क्लिक तो कर देंगे लेकिन जैसे ही उनको देखेगा ये वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर है, ये सोशल मीडिया की वीडियो नहीं है, उनका मतलब ही नहीं है, तो उस वीडियो को ओपन करके तुरंत बाहर आ जाएंगे, जिससे आपकी उस पुरानी वीडियो की रैंकिंग और ज़्यादा गिर जाएगी और उस पर बिल्कुल भी व्यूज बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे। तो आपको इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ उसी तरह की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालनी है जो आपकी नई वीडियो उसी से मैच कर रही हो। जैसे कि अगर आपकी नई वीडियो व्हाट्सअप की है और आपकी पुरानी वीडियो व्हाट्सअप की है, तो आप पुरानी वीडियो को उसके नई वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। अगर आपकी वीडियो बैंक के ऊपर है तो और आपकी पुरानी वीडियो बैंक के ऊपर है तो आप उसको उसमें डाल सकते हो। मतलब यह है दोस्तों कि दोनों वीडियो एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। आपको अपनी किसी भी वीडियो का लिंक किसी नई वीडियो में तभी डालना है जब दोनों वीडियो एक ही कैटेगरी की हों। इससे आपकी दोनों वीडियो पर व्यू अच्छे आएंगे और पुरानी वीडियो पर भी उतनी व्यू आ सकते हैं दोस्तों जितनी नई वाली पाएंगे। तो यही एक तरीका है अपनी पुरानी वीडियो को वायरल करवाने का, जो कि काफ़ी लोगों को पता तो होता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप अच्छे समझ चुके होंगे
कि ये तरीका जो लोग अपनाते हैं इसे सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में घंटी को भी दबा दें, इससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।